नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पयोधी शशि। और इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई है। बहुत बड़ा इसमें अपडेट ये है कि एक मामले में अब ऐसा सबूत सामने आया है जो जांच की कड़ी में बेहद अहम साबित हो सकता है। रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। बड़ी खबर है ये। जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की वो ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही है। आगे आपको बताएंगे, पूरी डिटेल बताएंगे कि क्या और किससे रिया चक्रवर्ती ने बात की है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच का छठा दिन है और ये इस वक्त सुबह की सबसे बड़ी अपडेट जी न्यूज आपको बता रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। मामले में अब ऐसा सबूत सामने आया जो जांच की दिशा को बेहद अलग दिशा में ले जाएगा और बहुत अहम कर देगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा रहा है। जी हाँ, जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की वो ड्रग वाली व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ड्रग्स के बारे में बात कर रही हैं। तो रिया चक्रवर्ती किससे बात कर रही हैं? आपको सारी जानकारी थोड़ी ही देर में जी न्यूज देने वाला है। लेकिन सुशांत मामले में ये बहुत बड़ी खबर, क्योंकि कल एसआईटी की तरफ से ये निर्देश दिया गया था सीबीआई को कि रिया चक्रवर्ती से आखिर में पूछताछ की जाए। साथ ही एम्स में भी ये कहा गया। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मर्डर को लेकर इसमें जांच होनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरी एक टीम जो इस मामले में जांच कर रही है एम्स की, वो कई मामलों को लेकर जो संदिग्ध लोग हैं और जिस तरह से कुछ सवाल खड़े हुए, फिर चाहे पोस्टमार्टम को लेकर हो या फिर उन तमाम बातों को लेकर जिसका आरोप सुशांत के परिवार वाले, उनके पिता और उनकी बहन लगा रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि रिया शुरू से ही इस पूरे मामले में संदिग्ध रही है, उनकी भूमिका संदिग्ध रही है। रिया को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन जब उनके पिता और उनके परिवार यानी उनकी बहनों की तरफ से कुछ बड़े खुलासे किए गए, उसके बाद एक के बाद एक बड़े आरोप रिया पर लगते रहे। और अब सीबीआई की जांच के छठे दिन ये एक नया एंगल, नया ट्विस्ट, नया मोड़ आया है और वो ये कि अब ड्रग्स का मामला सामने आया क्योंकि रिया की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट से ड्रग की साजिश होने का शक गहरा गया है और जी न्यूज के पास रिया चक्रवर्ती की वो ड्रग्स वाली व्हाट्सएप चैट है जिसमें वो ड्रग के बारे में बात कर रही है। हम सुनाएंगे आपको, हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि रिया के मामले को लेकर जी न्यूज कैसे आपको हर एक अपडेट पहुंचा रहा है, क्योंकि सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम सबसे पहले जी न्यूज ने शुरू की थी। और देखिए, सीबीआई की जांच का छठा दिन, सीबीआई की हर जांच हम आपके आगे रख रहे हैं, हर जांच का पहलू आपको बता रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि जहां जहां सीबीआई वहां वहां जी न्यूज, पांच टीमें इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं, अलग अलग एंगल से मामले की जांच हो रही है। आज छठा दिन और ये नया ट्विस्ट, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को लेकर कल तक ये कहा जा रहा था कि बाद में पूछताछ होगी, ईडी इस मामले में अलग पूछताछ कर रही है उन सभी पैसों के लेन देन को लेकर जो सुशांत के बैंक अकाउंट से किए गए, जिस पर उनके भाई, रिया के भाई और रिया की भूमिका संदिग्ध रही, उनके पिता पर कई सवाल उठे। लेकिन कल सीबीआई ने भी बैंक जाकर कई जरूरी दस्तावेजों को खंगाला, कई जरूरी जानकारियां जुटाई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पैसे के लेन देन को लेकर, खासतौर पर 15 करोड़ रुपए को लेकर, जिसको रिया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इन पैसों को लेकर कोई घपला किया, कोई झोल किया, इसी की जांच हो रही थी। लेकिन ये बहुत बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, ड्रग्स वाली जो बात आई है। दरअसल रिया चक्रवर्ती के कुछ चैट्स हैं जो सार्वजनिक हुए, ये वो चैट्स हैं जिन्हें डिलीट किया गया था, लेकिन फिर जब इनके जरिए कई बड़ी बातें सामने आई, जो जी न्यूज, देखिए जी न्यूज के पास वो चैट्स हैं, हम आपको बताएंगे किन किन लोगों से ड्रग्स को लेकर रिया चक्रवर्ती ने बातें की हैं, व्हाट्सएप चैट जो थी, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने क्या क्या बात की, कौन वो लोग थे। आप जब जानेंगे, आप जब वो रिपोर्ट देखेंगे, तो आप वो नाम आपके लिए कोई नए नाम नहीं होंगे, आप ये बात समझिए, कोई नए नाम नहीं होंगे। और जी न्यूज ने ही आपको बताया था, जी न्यूज पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा था कि ये जांच होनी चाहिए कि संदीप जो कि संदिग्ध हैं, संदीप सिंह, वो कितनी बार दुबई गए। अब देखिए कि नया ट्विस्ट आया है, अब सीबीआई के लिए जांच का एंगल, जांच का दायरा और बढ़ गया है, एक और पहलू इस जांच में जुड़ गया है। और ये बहुत संभावना हो जाती है कि क्या अब रिया से बातचीत में या रिया को पूछताछ के लिए समन भेजने में सीबीआई की तरफ से देरी नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चैट है जो इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है। आप देखिए, मिरांडा सुशी से जो मैसेज भेजे गए, क्या हमें शोविक के दोस्त से ले लेनी चाहिए, लेकिन उसके पास केवल हैश और बड ही है। ये रिया चक्रवर्ती को मिरांडा ने जो रिप्लाई किया,
दरअसल ये बताया जा रहा था कितना स्टफ है और उसमें क्या क्या है। ये बहुत जो इसमें हैश और बट की बात हो रही है ना, आपको हम ये भी बता दें कि ये बहुत कम तीव्रता वाले ड्रग्स होते हैं। और जहां तक रिया ने जो बात कही है, रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा कि जहां तक हार्ड ड्रग्स की बात करें तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिए। तो ये गौरव आर्या कौन है ये भी आगे आपको हम बताएंगे, ये कब की बातें हैं। आप देखिए, हम आपको सारी जानकारी इस वक्त बता रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, जी न्यूज की स्क्रीन पर बिल्कुल स्पष्टता से आप देखेंगे। कॉफी, चाय या पानी में 4 ड्रॉप डाल लो और उसे सिप करने को कहो, ये रिया चक्रवर्ती कह रही है। और फिर 30 से 40 मिनट का समय लगेगा किक करने में, यानी कि उसका नशा चढ़ने में 30 से 40 मिनट का समय लगेगा। और ये दोबारा से हम आपको बता रहे हैं जो मिरांडा ने बोला, हाय रिया, और स्टफ लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शोविक के दोस्तों से ले लेना चाहिए, लेकिन उसके पास केवल हैश और बड ही है। शोविक रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। अब ये कब की चैट है वो भी आप देख रहे हैं, हम आपको तारीख बता रहे हैं जिस दिन ये चैट की गई है, जिस दिन ये बातें रिया चक्रवर्ती ने की है। तो आप सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि सुशांत की आत्महत्या यानी सुशांत की मौत के बाद ये ऐसे कई सवाल उठ रहे थे कि सुशांत ड्रग्स ले रहे थे या उन्हें ड्रग्स दी जा रही थी, उनके जो घर में उनका स्टाफ है उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया। तो ये कई बड़े सुराग हैं, ये बहुत बड़ा खुलासा है जो जी न्यूज इस वक्त आपके सामने इस पूरे मामले पे कर रहा है। और हम आपको आगे ये बताएंगे कि आखिर इसके बाद अब सीबीआई का जो अगला कदम होगा वो क्या होगा, क्योंकि सीबीआई हर एक दिशा में इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। सीबीआई की 5 टीमें हैं जो इस मामले की जांच में जुटी हैं, लेकिन रिया को समन आखिर में भेजा जाना था, कल तक ये खबर थी, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद अब बहुत संभावना है कि जल्दी रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इस बड़ी खबर पर यानी सुशांत को न्याय दिलाने की मुहिम जी न्यूज पर लगातार जारी है, हर एक अपडेट आपसे छूटेगी नहीं, हमारा वादा है। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store, डाउनलोड इट नाउ।